गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी डिड डिफेक्ट इन सॉलिड्स ओके नाउ वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ओके देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स फर्स्ट इज कंडक्टर्स सेकेंड इज इंसुलेटर्स एंड थर्ड इज सेमी कंडक्टर्स ओके सो फर्स्ट इज कंडक्टर्स कंडक्टर्स मीन्स The conductors are materials which allow electricity to flow through them. Okay, means जिसमें जिस material में large amount में current जो है flow हो सकता है easily flow हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे conductors. For example, copper, silver, and iron. Okay. Second is insulators. Insulators means an insulator is material that does not conduct electricity current. Means जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है ठीक है विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या करंट का फ्लो नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे इंसुलेटर्स फॉर एग्जांपल वुड हो गया रबर ठीक है सल्फर फॉस्फोरस ये सब प्लास्टिक ये सब क्या है इंसुलेटर ओके थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स मीन्स सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टिविटी मटेरियल्स which have between conductor and insulators means जिसकी conductivity conductors और insulator के बीच में होती है उसे हम semi conductor कहेंगे ठीक है for example जो silicon germanium ये क्या है सब semi conductor है okay semi conductor में जो absolute temperature होता है इसमें उसकी conductivity zero होती है लेकिन जैसे जैसे temperature हम increase करते हैं तो semi conductor के जो conductivity है वो इंक्रीज होती रह जाती है ओके सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर ओके इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमी कंडक्टर ठीक है और एक्सट्रिंसिक मीन्स जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड होती है ऐसे सेमी कंडक्टर को हम क्या कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर ओके और जो इंट्रिंसिक होते हैं वो प्योर टाइप के सेमी कंडक्टर होते हैं क्लियर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सिलिकॉन का लिया है सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है अब जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ठीक है ये सिलिकॉन में क्या होता है कि इसके सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है जब भी इसका इस सिलिकॉन के जो सॉलिड है ये इसकी जब भी इसकी हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है इस सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ब्रेक करता है दूसरा फॉर्म करेगा दूसरे ब्रेक करेगा ठीक है ऐसे तीसरा ब्रेक होगा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो होने लगते हैं ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे सेमी कंडक्टर को हम कैसे क्या कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे जिसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्लियर सेकेंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी ऐड होती है ये दो टाइप्स के होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ओके पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है इसमें पॉजिटिव जो होल्स होते हैं वो एक्सेस में हो जाते हैं ठीक है मींस इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और पॉजिटिविटी इसकी बढ़ जाती है मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो क्या होगा पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़ेगी ठीक है तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसके इसमें पॉजिटिव जो पॉजिटिव होल हैं वो एक्सेस में होते हैं ठीक है मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ठीक है और जो पॉजिटिव मींस जिस जो भी उसका जो प्लेस है खाली रहता है इलेक्ट्रॉन्स का उसे हम क्या कहते हैं पॉजिटिव क्या कहते हैं होल्स कहते हैं क्लियर फॉर एग्जांपल जैसे हमने सिलिकॉन को लिया है ठीक है अब इसमें हम क्या करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम जैसे सिलिकॉन है हमारा 14 ग्रुप का है ठीक है इसमें जो इसकी वैलेंसी है कितनी है 4 है ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे कोई 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट इसमें जैसे इंडिकम हो गया गैलियम हो गया इनको मिक्स कर देंगे ठीक है तो ये कैसे सेमीकंडक्टर बन जाएंगे P
पी टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और इसमें 13 ग्रुप का ऐड करेंगे, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके खुद इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसके पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 बॉन्डिंग तो कर लेगा लेकिन एक इसके पास एक्स्ट्रा होल्स रहेगा, ठीक है। यहाँ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिव होल जनरेट हो गया है। तो ऐसे सेमी कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड है एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप में क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स जैसे हमने सिलिकॉन लिया है, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, ये सिलिकॉन हमारा 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है, ठीक है, इसमें 15 ग्रुप की एलिमेंट्स जो है ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमने आर्सेनिक ऐड किया, अब 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन के पास 4 है, तो ये एक एक इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है, लेकिन एक आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लिया लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस में है, तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में क्या है कि किसी भी सॉलिड के जो एलिमेंट्स हैं उसमें उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी उसने क्या बोला है कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, फर्स्ट एस स्क्वायर, टू एस स्क्वायर, टू पी सिक्स, 3s² 3p2 3d, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ही ये वैलेंस सेल ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसको दो तरह से डिवाइड किया, जो वैलेंस सेल हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उसको दो तरह से डिवाइड किया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, ठीक है। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्प्टी होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, और वैलेंस बैंड में फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो जब इनके ये दोनों बैंड के बीच में अगर गैप जो है बहुत ही कम है, मीन्स ये दोनों बैंड आपस में अगर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, कैसा एलिमेंट होगा, वो कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। जो उनका बीच में गैप है इसको हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन गैप। और फॉरबिडन गैप अगर नहीं है, ना के बराबर, मींस ये दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको, हम कुछ इस तरह से इसको क्या कहेंगे, हम कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होता है, उनके जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और उसमें इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत गैप होता है, फॉरबिडन गैप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये थोड़ा सा इंसुलेटर से कम होता है लेकिन कंडक्शन बैंड कंडक्टर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी क्योंकि हमें मालूम है कि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं, तो जब भी हम सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्प्लिट होकर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको हीट करने में भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। और कंडक्टर्स में तो बैंड जो है आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी सॉलिड को सॉलिड जो भी सॉलिड्स हैं उनको कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर को इनके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के थ्रू इसको अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डायमैग्नेटिक, सेकंड पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ है फेरी मैग्नेटिक। क्लियर। तो फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मींस क्या होता है कि जिसमें एटलीस्ट वन पेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, ऐसे मेटल्स को या सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे Cu+2, Fe3+, ठीक है, TiO, ये सब क्या है, पैरा मैग्नेटिक, मीन्स इसमें कम से कम वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरा मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक मीन्स जिसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसे हम डाई मैग्नेटिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वैनेडियम पेंटाक्साइड हो गया, ये सब क्या है, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। फिर फेरोमैग्नेटिक मीन्स जिस देखिए जब भी हम मेटल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, ठीक है, तो मेटल में प्लस चार्ज आ जाता है। और कुछ ऐसा इनमें देखा गया है कि मेटल्स में छोटे छोटे स्मॉल डाइपोल्स जनरेट हो जाते हैं, प्लस और माइनस ऐसे डाइपोल्स जनरेट हो जाते हैं। जब भी कोई मेटल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें छोटे छोटे डाइपोल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये डाइपोल क्या होता है कि जब भी इसको मतलब जो मेटल है, कोई कोई मेटल में ऐसी मतलब ऐसे अरेंजमेंट पाया गया है कि डाइपोल का जब डायरेक्शन जो है एक ही साइड हो जाता है, मीन्स ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक ही डायरेक्शन में सारे डाइपोल अगर अरेंज हो गए, ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, आयरन हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक। इनके जो डाइपोल्स हैं एक ही, जब भी इस मेटल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके जो डाइपोल्स हैं एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक। और इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी मैक्सिमम होता है। क्लियर। फिर है एंटी फेरोमैग्नेटिक मीन्स जो उसके डाइपोल हैं, किसी भी मेटल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, अगर उसके डाइपोल जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, मीन्स एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है नेट टोटल तो कितना होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे के कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस है, प्लस माइनस, तो ये इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। क्लियर, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, ठीक है। फिर लास्ट है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मीन्स जो इसके डाइपोल मूवमेंट डाइपोल हैं वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक प्लस माइनस हो, एक ही डायरेक्शन में हो, या एक डायरेक्शन में हो, एक अपोजिट हो, ऐसा नहीं, कोई भी मतलब कहीं भी कैसे भी अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक। इसका एग्जाम्पल है Fe3O4। इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, लेकिन जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक से डाइपोल मोमेंट जो होता है फेरोमैग्नेटिक का वो उससे ज़्यादा होता है, लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ज़ीरो से अलग होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।